नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कल जो पढ़े थे यानी चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 में एक कुछ पार्ट देख चुके हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक देख चुके हैं यानी कि फाउंडेशन क्या होता है इसको देख चुके हैं, और भी हम लोग क्या देख चुके हैं, फाउंडेशन कितने प्रकार के लोड होते हैं यानी स्ट्रक्चर पर कौन कौन से लोड आती हैं इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर फाउंडेशन के उद्देश्य देख चुके हैं, ठीक है। तो इन टॉपिकों को हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब आज के वीडियो हम लोग इसके आगे का टॉपिक को कवर करेंगे जो कि यहाँ पर है यानी अच्छे न्यू की क्या क्या आवश्यकताएँ हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर नहीं देखा है वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट दिया गया है यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लेलिस्ट, वहाँ हर एक वीडियो उसमें है, एक एक वीडियो करके देख ले, ठीक है। और जिनको ये नोट्स चाहिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9621164173, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको प्राइम मेम्बरशिप लेना पड़ेगा, व्हाट्सअप पर करते ही आपको पूरा डिटेल्स दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में जो भी लोग ज्वाइन हो उनको पता होगा कि नोट्स कैसे लेना है, इसका स्पेशल मैंने वीडियो भी बनाया था। तो चलिए हम आज के अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे बड़ी बात है आप लोग क्या है क्लास देख लेते हुए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के कोई तो पैसा लग नहीं रहा, आपकी क्लासेस भी प्रॉपर वे में दिया जा रहा है अच्छे कंटेंट के साथ, और BTUP के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। मतलब जो भी BTUP के सिलेबस में है, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो सब कुछ नोट्स से फंसेगा, क्वेश्चन कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा जो नोट्स में अवेलेबल ना हो। तो आप लोगों की इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आपको लाइक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग करेंगे भी, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगे, क्योंकि आपका कमेंट हमको मोटिवेट करता है नेक्स्ट लेक्चर लेने का, ठीक है। चलिए, तो पहला जो आपका है इसके न्यू की क्या क्या आवश्यकता है, यानी अच्छा जो न्यू होता है उसकी क्या क्या आवश्यकता होती है, यानी कि न्यू में क्या 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 आवश्यकता। तो अच्छे न्यू की जो आवश्यकता हैं ज़रूरतें हैं उसके बारे में हम आइए जानते हैं कि अच्छा न्यू कौन सा होता है, उसकी क्या 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 मतलब खासियत होती है, विशेषता उसके क्या क्या होती है जिसको उसको अच्छे न्यू में हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका है अच्छे न्यू की जो आवश्यकता है, पहला है लोड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यानी कि न्यू का जो अच्छा न्यू होता है उसका क्या है लोड का है क्या है अंतरण, यानी कि लोड डिस्ट्रीब्यूट अधिक करता है, ठीक है। यानी अधिसंरचना से आ रहे भारों को और मृदा पर आसानी से स्थानांतरित करता है, ठीक है। अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर का जितना भी लोड आ रहा है वो क्या है मृदा पर आसानी से क्या ट्रांसफर कर देता है, ये क्या है अच्छे न्यू की क्या है विशेषता है, ठीक है। तो ये क्या है अच्छे न्यू की क्वालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका गुड़ है क्या है अच्छे न्यू का क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र न्यू एवं अधिसंरचना के गुरुत्व केंद्र एक ही रेखा में होने चाहिए, ठीक है। तो न्यू यानी जो फाउंडेशन है और क्या है अधिसंरचना है, यानी देखिए इस तरह से आपका फाउंडेशन बनता है, इस तरह से फाउंडेशन बनता है, ठीक है। और यह आपका क्या है सुपर स्ट्रक्चर ऊपर, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दोनों क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दोनों का केंद्र एक ही रेखा में, यानी ये सेंटर आपका होगा तो एक ही रेखा में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होना चाहिए, न्यू का भी और सुपर स्ट्रक्चर का भी, जिससे क्या है लोड आसानी से क्या है अधिक लोड को वियर कर सकता है और लोड आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और आपका स्ट्रक्चर फेल भी नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट आपका तीसरा जो आपकी क्या है इसकी आवश्यकता जो है अच्छे न्यू की जो गुण होती है निर्माण व्यय, यानी कि अगर आप अच्छे न्यू देखिए अगर अच्छा न्यू बना रहे हैं मान लीजिए तो उसका क्या है कम खर्च में अधिक से अधिक अच्छा आपको क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। तो वो भी अच्छे न्यू के आपके गुण में आ जाएगा, ठीक है, निर्माण व्यय में। तो निर्माण खर्च करने में खर्च कम आए, ठीक है, तो निर्माण करने में क्या है खर्च कम आए। नेक्स्ट आपका जो है अतिरिक्त भार, अतिरिक्त बात क्या है यदि भविष्य में अधिक भार आए तो आसानी से सहन कर सके, अतिरिक्त बात ओवरलोडिंग की बात आ गई। अगर मान लीजिए आपके क्या है भविष्य में यदि भविष्य में अधिक भार आए तो आसानी से बियर कर ले, ठीक है। मान लीजिए जो आपका फाउंडेशन है वो एक आप मान लीजिए सिर्फ वियरिंग कैपेसिटी जिसका होगा जितना लोड वियर कर सकता है उतने के लिए आपका डिजाइन किया गया हो, और लेकिन इन फ्यूचर वो उसमें लोड अधिक आ जाए तो उसको भी वियर कर ले, ठीक है। तो ये आपका क्या अतिरिक्त भार का भी गुण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है कुप्रभाव से सुरक्षित हो, तो आपका जो फाउंडेशन हो वायुमंडलीय प्रभाव से सुरक्षित हो, वायुमंडलीय प्रभाव जैसे मान लीजिए वर्षा हो गया और धूप हो गया इस तरह का क्या वायुमंडलीय प्रभाव उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, क्लियर।
नेक्स्ट आपका छठवां जो है न्यू में प्रयोग पदार्थ, यानी कि न्यू में जो भी पदार्थ प्रयोग कर रहे हैं वो सॉइल से क्या हो, वो डिफेक्ट ना हो, ठीक है, उसमें नमी का असर ना पड़े। तो न्यू में प्रयोग होने वाली निर्माण पदार्थों पर मृदा या नमी का असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस पर क्या नमी का असर पड़ेगा तो क्या वो आपका क्या कमजोर होगा फाउंडेशन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका जो है वो आयु, यानी एज की बात कर लेते हैं। आयु इसका क्या है, ड्यूरेशन, आयु क्या होगी, ठीक है। तो न्यू की आयु जो है अधिसंरचना की आयु से अधिक होना चाहिए, यानी कि अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर से जो इसका आयु है, सुपर स्ट्रक्चर की आयु से न्यू की आयु अधिक होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं हम। देखिए अगला आपका जो टॉपिक है मृदा की वहन क्षमता यानी धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इसके बारे में जानते हैं कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है सॉइल की, ठीक है। तो बियरिंग जो कैपेसिटी होती है सॉइल की, धारण क्षमता, यानी कि बियरिंग कैपेसिटी मतलब ये समझिए कि वो जो मृदा है आपका वो कितना लोड बियर कर सकता है, यानी स्ट्रक्चर का कितना लोड आपका क्या है सॉइल, यानी उसमें सेटलमेंट ना हो, कितना लोड बियर कर सकता है, यही आपकी क्या है बियरिंग कैपेसिटी होती है। तो बियरिंग कैपेसिटी आपकी दो प्रकार की होती है, एक चरण धारण क्षमता यानी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, दूसरा आपका होता है सुरक्षित धारण क्षमता यानी सेफ बियरिंग कैपेसिटी होता है, क्लियर। तो आइए हम जानते हैं कि अल्टीमेट यानी चरण धारण क्षमता क्या होती है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। अल्टीमेट का मतलब यहाँ पर है, अल्टीमेट का मतलब रहता है यहाँ पर मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम लोड जो है इस पर इसको समझते हैं, तो मृदा पर आने वाला वह अधिकतम, यही यानी कि चरम, जो मैक्सिमम होता है उसी को हम चरण धारण बोलते हैं, भार जिससे मृदा अपनी जगह से बिना खसके या दबे आसानी से बर्दाश्त कर सके, मृदा की चरण धारण क्षमता कहलाती है, क्लियर, बात समझ में आया। यानी कि ठीक है, तो देखिए यानी कि वह मैक्सिमम लोड यानी सॉइल पर वह मैक्सिमम लोड आए जो क्या है सॉइल जो आसानी से मैक्सिमम लोड अधिक से अधिक वह लोड आए जो देखिए फाउंडेशन पर अधिक से अधिक वह लोड आए, फाउंडेशन के द्वारा सॉइल पर लोड आएगा तो सॉइल पर अधिक से अधिक वह लोड आए जिसको क्या है ईजिली यानी सॉइल आपका बियर कर ले सके, उसको बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, चरण धारण क्षमता बोलते हैं। इसको हम किस में मेजर करते हैं, टन पर मीटर स्क्वायर में इसको मापते हैं, टन पर मीटर स्क्वायर में इसको आते हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला बनता है चरण धारण क्षमता यानी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू होता है कुल आने वाला भार टन में, यानी जितना भी टोटल लोड आएगा वो टन में बटे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, क्लियर। तो क्या फार्मूला हो गया, चरण धारण क्षमता इक्वल टू होता है कुल आने वाला भार टन में बटे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो है सुरक्षित धारण क्षमता यानी सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होते हैं कि मतलब संरचना को सुरक्षित रखने के लिए मृदा को कभी कभी उसकी चरण धारण क्षमता तो भारित नहीं किया जाता है, यानी कि जितना लोड मृदा बियर कर सकता है उतना लोड नहीं देना चाहिए आपको स्ट्रक्चर का, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर यानी मृदा पर, मृदा क्या है एक लिमिट भी होगा ना, आप लोग समझते होंगे जैसे जानते ही होंगे कि कोई भी मान लीजिए सॉइल है तो उस पर कितना लोड हम दे दें वो बियर कर सकता, वो मैक्सिमम हो गया, लेकिन जो मैक्सिमम लोड होता है उतना लोड कभी भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम जो अल्टीमेट बियरिंग जो होता है यानी अधिक से अधिक उतना लोड नहीं देना चाहिए, उससे कम ही देना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या है मैक्सिमम लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुरक्षा कारक से, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं। इसके लिए मृदा के चरण धारण क्षमता यानी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में से फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुरक्षा कारक से भाग दे दिया जाता है, प्राप्त मान सुरक्षा धारा यानी कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी कहलाता है, क्लियर। फिर से समझिएगा, यानी जो भी आपका स्ट्रक्चर का टोटल लोड मृदा पर आ रही है, जो अल्टीमेट लोड आ रही है, ठीक है, अल्टीमेट जो लोड आ रही है अधिकतम जो भार आ रही है उतना भार कभी भी हम सॉइल पर नहीं देते हैं, क्लियर, उतना भार हम कभी भी नहीं देते हैं। लेकिन आपको अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालना है तो मैक्स अल्टीमेट जो लोड आएगा यानी मैक्सिमम जो लोड आएगा उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप डिवाइड कर देंगे, जो मान आपको आएगा वो आपका सुरक्षित धारण क्षमता आएगा, ठीक है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी आएगा, क्लियर। सेफ बियरिंग जो कैपेसिटी यानी फैक्टर ऑफ जो सेफ्टी हम ले लेते हैं सुरक्षा कारक का जो मान है 2 से 4 के बीच में लिया जाता है, न्यू बनाने में इसी मान को लेते हैं, ठीक है। तो हम फाउंडेशन जो बनाते हैं इसी वैल्यू को लेते हैं 2 से 4, यानी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा 2 से 4 के बीच में हम लेंगे, क्लियर। अल्टीमेट लोड आपको ज्ञात ही हो जाएगा कितना लोड आपको स्ट्रक्चर पे आ रहा है, और उसमें 2 और 3 यानी कि 2 4 के बीच में से कोई भी वैल्यू लेकर उसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा,
उसे आपको डिवाइड कर देना है, वो आपका सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकल जाएगी सॉइल की। क्लियर? चलिए, तो सुरक्षित धारा क्षमता का जो फार्मूला आपका बनेगा, सुरक्षित धारा क्षमता का चरण धारा क्षमता यानी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि सुरक्षा कारक। क्लियर? आई होप ये फार्मूला आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, नोट में क्या है, मृदा की जो धारण क्षमता होती है मृदा के कणों की सघनता पर निर्भर करती है। तो उसकी मृदा का क्या है, सघनता यानी कि कणों के जो पार्टिकल की सघनता यानी पार्टिकल कितने पास पास हैं उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको देखते हैं। देखिए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करते जाइए। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं सिर्फ उतने ही लाइक करेंगे तो लाइक अधिक हो जाएगा, लाइक की संख्या, ठीक है? तो इसका लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इतने अच्छे कंटेंट आपको देखिए, ये मैंने इतने मेहनत करके नोट्स रेडी किया हूँ, ये समझिए एक तरह से बुक नहीं है, ये आपको क्या है टाइपिंग करके ये पूरा बनाया गया है, नोट्स कलरफुल बनाया गया है, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं कंटेंट पूरा सॉलिड है और ये बीटीओपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, काफ़ी मेहनत लगा है। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है? और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो इसको जोड़िए, और जिनको भी नोट्स चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हर बार क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हर बार पूछता है, 5 नंबर का फिक्स ही होता है, ठीक है? तो नींव के प्रकार टाइप ऑफ फाउंडेशन की बात करते हैं, यानी नींव कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है? तो नॉर्मली आपको जो नींव होती है वर्गीकरण जो नींव का समानता होता है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है? एक तो शैलो फाउंडेशन, दूसरा डीप फाउंडेशन, यानी कि एक तो उथली भूम और दूसरा आपका गहरी भूम, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। क्लियर? तो चलिए आइए देखते हैं। तो अमृदा की धारा क्षमता एवं संरचना से आ रहे भारों को ध्यान में रखकर नींव कई प्रकार की बनाई जाती हैं। समानता इसका 2 प्रकार का वर्गीकरण इसका किया गया है, ठीक है? पहला आपका शैलो फाउंडेशन, दूसरा आपका डीप फाउंडेशन। आइए हम जानते हैं शैलो फाउंडेशन क्या होता है। तो नाम से ही आपको पता होगा कि शैलो फाउंडेशन क्या होगा, यानी उथली भूमि। उथली भूमि में क्या होता है, जो उसके क्या है विड्थ है यानी चौड़ाई जो है उसकी ऊंचाई के बराबर होगा, ठीक है? चौड़ाई जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऊंचाई हाइट जो है यानी हाइट जो है हाइट जो है क्या इसके विड्थ के बराबर होगा या इसके क्या होगा कम ही होगा। क्लियर? तो आइए समझते हैं, यानी कि देखिए उथली भूमि जो होता है उथली भूमि की जो गहराई होती है उसकी चौड़ाई के बराबर या उससे कम होती है, इसको हम बोलते हैं उथली भूमि। यानी उथली भूमि की जो गहराई होती है, सॉरी उथली भूमि बोलना है, उथली फाउंडेशन यानी कि शैलो फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन क्या होता है, आपको सिंपली आपको बताना है कि शैलो फाउंडेशन जिसकी गहराई जिस नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर हो या उससे कम हो उसको हम बोलते हैं शैलो फाउंडेशन। क्लियर? जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या उससे कम होती है तो उथली नींव कहते हैं, ठीक है? इस नींव का निर्माण उन जगहों पर किया जाता है जहाँ के मृदा की धारा क्षमता अधिक हो, ठीक है? तो जहाँ के मृदा की बियरिंग कैपेसिटी अधिक होती है वहाँ हम शैलो फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इसका कंडीशन क्या है, इसका जो कंडीशन आपका है यानी इसकी गहराई जो है हाइट विड्थ के बराबर होगी यानी चौड़ाई के बराबर होगी या इससे कम होगी, ये आपका क्या है कंडीशन आपको दिखाना है। क्लियर? तो फिर से समझिएगा, उथली नींव किसे कहते हैं, उथली नींव हम उसे बोलते हैं जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर हो या उससे कम हो उसको हम बोलते हैं शैलो फाउंडेशन यानी उथली नींव बोलते हैं, ठीक है? एच ग्रेट यस लेस इक्वल बी, ठीक है? क्लियर? जहाँ बी आपका नींव की चौड़ाई है और एच आपका क्या है, एच आपका यहाँ पर नींव की गहराई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब देखिए शैलो फाउंडेशन, अभी हम डीप फाउंडेशन की बात आगे करते हैं, पहले शैलो फाउंडेशन के पूरा जान लें कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पर देखिए शैलो फाउंडेशन कितने प्रकार के, आइए शैलो फाउंडेशन यानी कि जो उथली नींव उसके प्रकार देते हैं। तो पहला जो इसका टाइप है खसकेदार या फैलाव नींव बोलते हैं, खसकेदार या फैलाव नींव पहला। दूसरा आपका है जालदार नींव, ये आपका क्या है शैलो फाउंडेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है? उथली नींव के अंतर्गत उथली नींव, ठीक है? अभी गहरी नींव बचा हुआ है उसको अभी आगे हम कवर करते हैं। क्लियर? तो पहला आपका है यानी उथली नींव में पहला हुआ खसकेदार नींव, दूसरा है जालदार नींव, तीसरा आपका संयुक्त नींव, ठीक है? कंपाउंड फाउंडेशन जिसको बोलते हैं सतन नींव, कॉन्टीन्यूअस फाउंडेशन, राफ्ट या पटरा नींव बोलते हैं जिसको,
राफ्ट या पटरा नींव आपका पाँचवा है। छठवां है आपका पास फूटिंग नींव, ये नींव है आपका, और उल्टी डाट नींव। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इसमें से कौन कौन सा है, खसकेदार नींव मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जालदार नींव, और यहाँ कंबाइंड नींव, यहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पाँचों इम्पॉर्टेंट हैं, इसको पढ़ लेना है। ठीक, आइए हम जान लेते हैं अब गहरी नींव के बारे में। ठीक, इन नोट्स आपको मिल जाएगा जो लोग प्राइम मेंबरशिप लिए हैं, मैंने दो चैप्टर तक का ऑलरेडी नोट्स दे चुका हूँ। नोट्स प्राइम मेंबरशिप लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको तो नोट्स मिल जाएगा, प्लस आपको क्या है वीडियो का आपको मिल जाएगा, उससे आपको रिवीजन भी नोट्स से कर लेंगे और वीडियो भी आपको मिलता रहेगा, तो अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर, अब आइए गहरी नींव की बात करें। तो डीप फाउंडेशन क्या होता है, तो डीप फाउंडेशन जो होता है आपका, उसमें क्या है नींव की जो गहराई होती है उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। पहली बात, फर्स्ट कंडीशन आपका है गहरी नींव का कि उसकी जो नींव की गहराई होगी उसकी चौड़ाई से अधिक होगी, तो उसको हम बोलते हैं गहरी नींव, यानी कि डीप फाउंडेशन। क्लियर, चलिए, तो जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक हो तो उसे हम नींव, उसे गहरी नींव कहा जाता है। इसका निर्माण तब किया जाता है जहाँ मृदा की धारण क्षमता काफ़ी कम हो, क्लियर, या अधिक भार आने की संभावना हो, तो वहाँ पर हम गहरी नींव का प्रयोग करते हैं। तो बात समझ में आए, यानी कि जो उथली नींव था, उथली नींव का क्या है, जहाँ की बियरिंग कैपेसिटी अधिक था वहाँ हम उथली नींव बनाते थे, लेकिन जहाँ पर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम हो वहाँ पर हम गहरी नींव यानी डीप फाउंडेशन बनाते हैं, और जहाँ पर भार आने की संभावना भी अधिक होती है वहाँ पर भी हम क्या है गहरी नींव बनाते हैं डीप फाउंडेशन। इसका जो कंडीशन है, इसका कंडीशन नींव की जो गहराई है अधिक होगी उसकी चौड़ाई के। ठीक है, ये कंडीशन आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये भी आपको क्या है, यहाँ जो बी आपका नींव की चौड़ाई है और एच नींव की गहराई है। ठीक है, ये भी आपका तीन प्रकार की होती हैं नींव की, यानी गहरी नींव भी आपका तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सा तीन प्रकार का है आपका, पहला जो आपका है पाइल या स्थूड़ा या पाइल फाउंडेशन। ठीक है, यानी खूंटा जिसको बोल सकते हैं, खूंटा, ये खूंटा नींव जिसको बोलते हैं। ठीक है, पाइल, तो पाइल फाउंडेशन आप इंग्लिश नेम एंड टेक्निकल नेम ही याद रखिए, खूंटा कोई भी नहीं बोलता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, फ्लाइट मोड नहीं लगा था इसलिए कॉल आ गया। चलिए, तो एक पाइल फाउंडेशन हो गया, दूसरा जो आपका है वेल फाउंडेशन है। ठीक है, वेल फाउंडेशन यानी कि कूपक नींव। ठीक, थर्ड जो आपका है कैसून फाउंडेशन, सबके बारे में डिटेल्स चर्चा किया जाएगा। ठीक है, क्या होता है सब कुछ बताया जाएगा, और आगे सभी फाउंडेशन जितने भी हैं आपको विथ फिगर दिखाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि जो गहरी नींव होती है भी तीन प्रकार की होती है, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन एंड कैसून फाउंडेशन। क्लियर, कैसून मीन्स क्या होता है, बक्सा, एक तो बक्से की आकार बनाकर हम उसका फाउंडेशन बनाते हैं। कूपक नींव मतलब वेल फाउंडेशन यानी कि कुएं की तरह उसका फाउंडेशन बनाएंगे, और एक पाइल यानी कि एक क्या है पाइल की तरह बनाएंगे इसका। ठीक है, फाउंडेशन सब कुछ फिगर की तरह से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट रह जाता वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक एक जरूर करते जाइए, आपके लिए बहुत सारी मेहनत किया जा रहा है। और जिनको भी नोट्स चाहिए वो व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9621164173। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये जो व्हाट्सअप 149 का आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा, ये प्राइम मेंबरशिप 30 अगस्त तक ही आपका वैलिड है, इसके बाद इसकी चार्जेस इंक्रीज कर दिए जाएगी, तो आपको बाद में कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्लियर, तो जिनको भी नोट्स लेना है वो ले सकते हैं। अब कल से हम लोग उथली नींव के यानी विभिन्न प्रकार के उथली नींव की बात करेंगे, उथली नींव जो होता है सैलो फाउंडेशन जितने भी टाइप बताए हैं सबका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कल का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मिस ना करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।